Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, grade 3. How are you all? I hope you all are fine at your home. I'm your English teacher, and now we are going to start our English lesson. In the last lecture, we we'll learned unit number 4, we reading learnt आई होप सब सब ने जो रीडिंग जो है अच्छे से प्रैक्टिस की होगी आपने सेनम्स लर्न किए होंगे इफ़ यस एंड वेरी वेल वेरी गुड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन विच इज़ क्वेश्चन आंसर्स ठीक है आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे यूनिट नंबर फोर के विच इज़ ऑन पेज नंबर ट्वेंटी टू ऑफ लैंग्वेज थ्री स्टूडेंट्स बुक थ्री Open up your book, page number 22, so we can solve our question answers. So, our first question is, how did daddy make a swing for the boys? They say, how did daddy make a swing, for the boys? Like Okay. So, do you remember Yes if yes then tell me your answer yes here's our answer he tied a rope to branch of a tree unhone ek shaakh ke saath rassi baandhi to make a swing ek swing banane ke liye you can short it you can say he tied a rope to make a swing okay it's up to you how you are gonna manage it ticket so we are done question number one let's move to the next question how long did the boys stay inside when it rained now they are asking how long kitna time did the boys stay inside ladke rahe when it rained a okay time yes can you give me the answer if not then you can also check in your book okay our answer is Four, two, for two days do din ke liye boys kitna time ke liye andar rahe the story mein read kiya tha do din ke very good now question number 3 what happened kya hua when they swung on the rope जब उन्होंने झूले उन वो रस्सी पे झूले तो क्या हुआ यस वॉट हैपन विस वंग ऑन द रो जब वो रस्सी पे झूले तो क्या हुआ द रोप ब्रोक एंड द फल ऑन द ग्राउंड ठीक है रस्सी टूट गई एंड द फल ऑन द ग्राउंड वो जमीन पर गिर गई आप इस क्वेश्चन को शार्ट भी कर सकते हैं दैट द रोप ब्रोक ठीक है

दी है सो नाउ वीव कम्लीस मोट क्वेश्चन नंबर फाइव द बॉय लुकड अड़के शर्मिंदा नजर आए वट डज दर्ड अ शेम मीन अब वो हमसे पूछ रहे हैं जो शेम्ड बुक में यूज हुआ है वर्ड उसका मतलब क्या हैव थ्री ऑप्शन हमें इनमें से कोई चूज करना है ठीक है नंबर वन इज दे वार अफ्रेड बिकॉज डैरी वॉज एंग्री देर अफ्रेड वो डरे हुए थे बिकॉज देरी वॉज एंग्री क्योंकि अबू गुस्से में थे नंबर टू ऑप्शन बी दे थाट उन्होंने सोचा दे वुड गेट इन टू ट्रबल कि वो मुसीबत में आ जाएंगे नंबर सी दे नो दे हैड डन समिंग उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ कर दिया है ठीक है ए बी सी यू हैव टू चूज़ वन ऑप्शन प्लीज़ चूज़ योर ऑप्शन वेरी गुड द आंसर इज ऑप्शन सी ऑप्शन सी पाइस को पता था कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है ठीक है वेल well डन आपने क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व कर लिया ठीक है अब जो क्वेश्चन नंबर फाइव तक ही हमने सॉल्व करने थे क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है वट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी वो आप खुद राइट करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे एंड सेवन भी एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑन द बुक सॉरी नॉट बुक ऑन द नोटबुक। आई होप यू विल डू योर वर्क बेस्ट ऑफ लक खुद